दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा गुल करने से कहीं आप ना गुल हो जाए। गुल से बहुत सारी स्वास्थ्य को तकलीफ़ होती है, आपके शरीर को काफ़ी सारा तकलीफ़ होता है, अफेक्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा गुल से आपके शरीर को क्या क्या तकलीफ़ पहुंचती है। पहले तो गैस बनना चालू हो जाता है आपके पेट में अगर आप गुल करते हो। धीरे धीरे आँखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है, पेट बराबर नहीं होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है जब गुल ना मिले टाइम पे। ऐसा लगता है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, बिना गुल के क्या करूँ, तो एक लत सी लग जाती है गुल की। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, सांस नहीं ले पाते, अगर दो कदम चले तो थक जाते हैं। और गुल के कारण अगर कभी थोड़ी मेहनत वाला काम करे तो एकदम थकाव आ जाता है शरीर में, एकदम थका हुआ लगता है थोड़ा ही काम करने पर। तो गुल के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप गुल करते हो तो सच मान जाओ दोस्तों, एक दिन आप पक्का गुल हो जाओगे। तो इसलिए गुल को छोड़ दीजिए, अभी टाइम है आपके पास। अगर आपको लत लग चुकी है तो कोशिश करें धीरे धीरे छोड़ने की, सुबह करें, शाम में करें, दिन भर ना करें गुल, तो एक दो टाइम कर सकते हो आप गुल। धीरे धीरे फिर वो भी छोड़ते जाए, एक टाइम करें। अगर आपसे एक टाइम में ही छूट सकता है तो छूट दे, काफ़ी अच्छा होगा। तो गुल के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, तो गुल छोड़ने की कोशिश करें। ये वीडियो में यही बताने चाहता हूँ बस दोस्तों।